नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा के पचमठा मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम पड़ाव पर, सड़क निर्माण का पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया भूमि पूजन। बता दें कि मंदिर के लिंक रोड और विक्रम पुल से कोतवाली तक भी होगा जल्द सड़क का निर्माण। रीवा के घोघर मोहल्ला स्थित पचमठा मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम पड़ाव पर है। रिवर फ्रंट के साथ साथ मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद आज पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा इस सड़क का भूमि पूजन किया गया है। मंदिर परिसर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा वासियों का सौभाग्य है कि 5 मठों में एक मठ रीवा में स्थित है, जहां देश के कोने कोने के लोगों की आस्था यहां से जुड़ी हुई है। आज मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया है और जल्द ही सड़क निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर से जोड़ने वाली सड़क विक्रम पुल से सोनी बिल्डिंग तक सड़क का चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, वार्ड पार्षद क्रमांक 35 सहित कई समाज सेवी एवं स्थानीय लोग तथा इंजीनियर गण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री एवं वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। पंचमठ मंदिर में काफी दिन से विकास चल रहा, आज सड़क का भूमि पूजन कराया गया है, तो कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक लोगों को? 2 से 3 महीने में ये रोड बन जाएगी, विक्रम पुल से लेके पंचमठा गेट तक और उधर वो पंचमठा पुल से होते हुए सोनी बिल्डिंग तक, वो जो किला रोड है वहाँ तक ये रोड बनेगी। 7 मीटर की ड्रेन के कवर रहेगा, कहीं नाली वाली नहीं दिखाई देगी और इस रोड का कायाकल्प हो जाएगा। और उसके साथ ही 2 महीने में पचमठा पूरा फिनिश हो जाएगा, रिवर फ्रंट भी 2 महीने में पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके लिए बंसल ग्रुप जिनके पास काम है उनके चेयरमैन को हमने बुलवाया है और आज उसका सब डेट फाइनल करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि मई के एंड तक जनता को समर्पित कर दिया जाए। रीवा के पीछे अभी पहला फेस, क्योंकि ये पूरा है 1800 × 2, तो अभी हम कर रहे हैं 1600 कोतवाली घाट तक, तो इसको फिनिश करेंगे और बाकी काम चलता रहेगा। रीवा के प्राचीन जो धर्म स्थल है उनको पर्यटक के रूप में विकसित करने की बात आपके द्वारा कही गई थी, तो आप आगे का विकास के दौर कहाँ? देखिए, रानी तालाब विकसित हुआ, चेरौला तालाब विकसित हुआ, हजारों लोग सवेरे शाम वहाँ पर घूमने जाते हैं, दर्शन करने दूर दूर से लोग वहाँ पर आने लगे हैं। गुड़ में भैरवनाथ का जो विशाल मूर्ति थी वहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है, वो भी 2 महीने में जब पूरा हो जाएगा तो उसकी भी अलग प्रतिष्ठा चारों ओर कीर्ति फैलेगी। कष्टहरनाथ मंदिर जो गुड़ में है उसको भी सोलर प्लांट के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से हमने 1.5 करोड़ रुपए दिला के उसका भी कायाकल्प कराया था। ऐसे ही देवतलाव का मंदिर में कुंड के निर्माण का काम, ये पचमठा का जिस प्रकार से काम हो रहा है तो सारे लोग देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से पूरे देश में, चाहे वो केदारनाथ हो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे बाबा महाकाल लोक हो, विंध्यवासिनी हो, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो एक कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी प्रकार से रीवा में भी धार्मिक जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं उसमें उसके जीर्णोद्धार, उसका विकास के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं वो हम लोग 2004 से ही शुरू कर चुके हैं और रानी तालाब इसका एक उदाहरण है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी पुल से या और ये आपके सोनी बिल्डिंग तक रोड में और नाले निर्माण कभी नहीं, हर जगह विकास हो रहा है, यदि ये हो जाएगा तो शायद इसकी और उपयोगिता बढ़ेगी, तो कब तक ये कार्य पूरा होगा? 2 महीने। 2 महीने में रोड बनेगी? हाँ, 2 महीने में बन जाएगा। और जो लोग भी रिवर फ्रंट में यहाँ पर घूमने आएंगे वो जिस रोड से आएंगे उनको लगेगा कि हम ये रोड भी उसी पैटर्न की बनी है, ये हम लोगों की योजना है। पुल से यहीं तक ही नहीं, विक्रम पुल से उधर एजी कॉलेज तक, उधर भी 12 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, उसका भी काम शुरू हो गया है। उसमें जो 3-4 पुल हैं वो चौड़े होंगे, विक्रम पुल के बराबर चौड़े होंगे और वो रोड भी 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के एजी कॉलेज तिराहे से लेके विक्रम पुल और विक्रम पुल से लेके और ये घोघर होते हुए सोनी बिल्डिंग तक, ये पूरा रोडों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महिला का शव रखकर परिजनों ने आईजी कार्यालय का किया घेराव और जमकर किया प्रदर्शन।
विवाहित महिला के प्रेमी के ऊपर जहर देकर मारने का आरोप, आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं परिजन मांग। बता दें कि रीवा में एक विवाहित महिला अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ चली गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने प्रेमी पर महिला को जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए आज आईजी कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने का प्रयास किया गया। घटना के संबंध में मृतका श्वेता साकेत के भाई ने बताया कि उसकी बहन को कुछ लोगों ने मिलकर जहर देकर मार दिया है। उसकी बहन का विवाह 2 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसके बाद वह एक व्यक्ति के साथ रामपुर में जाकर रहने लगी थी। वह व्यक्ति भी शादीशुदा था। परिजनों का आरोप है कि वह एवं उसकी पत्नी ने मिलकर श्वेता को जहर दिया है। संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही श्वेता ने अपने परिजनों को बयान दिया है, जिसे लेकर आज उसके परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण आईजी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रस्तुत है मृतका के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम शिव शंकर साकेत है, मैं कनौजा का रहने वाला हूँ। मेरी बहन है बड़ी। क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि रामपुर में थी, रामपुर में उसके साथ रहती थी। इसके? वो जो रूम लेके वो रखा था पहले। अच्छा। जिसके साथ रहती थी वो। किसके साथ? वो उसका पति। हाँ हाँ, तो पति वही था, लेकिन वो फंसाने में लगे हैं। मामला क्या है? लड़की खत्म कैसे हो गई? क्या हुआ? मारा गया है, जहर दिए हैं। कौन मारा? वो जो साथ में था, बग्गर नाम है उसका, बग्गर। शादीशुदा है? हाँ। लड़की है? किसका आदमी है? वो लड़की भी है छोटी सी। किसका आदमी है वो जो मारा है? नहीं नहीं, वो आदमी ये दूसरा था, शादी दूसरे के साथ की थी और चली गई थी दूसरे के साथ। तो मार दिया? हाँ हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं 3-4 लोग मिल के जहर पिलाए हैं। ये कब की घटना है, कब खत्म हुई? ये कल 7 बजे घटना है और सोमवार को 7 बजे लाया गया है सुबह हॉस्पिटल संजय गांधी। सोमवार कल एक्सपायर हुई है। बयान दी थी लड़की? लड़की फुल बयान दी है, वीडियो रिकॉर्डर है अपने पास। जान जोखिम में डालकर पुलिस ने शहर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि शहर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों को पुलिस ने जान जोखिम में डालकर आखिरकार पकड़ लिया है। बदमाशों द्वारा पुलिस से भागने के लिए किए गए हमले के दौरान एक आरक्षक का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि दूसरे के हाथ में भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया है। हम आपको बता दें कि बीते दिवस दोपहर तकरीबन 12 बजे बृजेश पांडे नामक युवक से उस वक्त ऑटो चालकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जब वह इंदिरा नगर से पड़रा मोहल्ला जाने के लिए ऑटो में बैठे थे। इसी दौरान ऑटो चालकों ने पीके स्कूल के पीछे ले जाकर उनके साथ मारपीट कर 7,000 नगद व मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित ने वारदात की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई थी। समान थाना पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए साइबर सेल की मदद से संदेहियों का लोकेशन निकाला। बदमाशों का पता चलते ही SP विवेक सिंह ने CSP शिवाली चतुर्वेदी को तत्काल टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने बदमाशों को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगराहा के समीप घेराबंदी कर पकड़ लिया है। पुलिस ने इस दौरान आरोपियों की घेराबंदी की तो आरोपी एक वैगनार कार में बैठे हुए थे, और जैसे ही उनकी नज़र पुलिस के ऊपर पड़ी तो पुलिस की घेराबंदी तोड़ने के लिए आरोपियों ने कार को पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान एक आरक्षक कार के सामने वाले हिस्से में बोनट के ऊपर छलांग लगा दिया, फिर भी बदमाश भागने का प्रयास करते रहे। इस दौरान आरक्षक कमलराज सिंह का हाथ टूट गया है, जबकि एक प्रधान आरक्षक शिवा के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। फिर भी पुलिस ने जान जोखिम में डालकर आखिरकार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ लगे आरोपियों में इमरान उर्फ इब्बू और सोनू टकला दोनों निवासी अमैया शामिल हैं। बताया गया कि दोनों आरोपियों पर पूर्व में भी लूट और राहजनी के मामले दर्ज हैं। ये दोनों आरोपी रीवा जिले के गढ़, सीधी जिले के रामपुर नैकिन और सतना जिले के नागौर थाने से भी फरार हैं, जहां की पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहीं घायल आरक्षकों को इलाज कराया जा रहा है।
प्रस्तुत है पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा किए गए खुलासे से प्राप्त जानकारी के अंश के अंतर्गत एक फरियादी ब्रिजेश कुमार पांडे रिपोर्ट करने आए थे कि जब वो सिरमौर चौराहे साइड वो ऑटो ले रहे थे तब उनके ऑटो में जो लोग बैठे थे उन्होंने उनसे पैसा छीना और मोबाइल छीना और दांत से काट के और गिरा के उनको भाग गए थे, जिसके आधार पर इसमें तत्काल पुलिस ने अपराध दर्ज करके अपनी टीम्स लगाई थी और पुलिस सम्मान पुलिस और बाकी जो कंबाइंड टीम है उसको सफलता मिली है 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ने की। और इन आरोपियों के नाम इमरान शाह उर्फ इमरान खान उर्फ इब्बू और अली असगर उर्फ सोनू मंसूरी ये मिले हैं, ये थाना अमहिया के रहने वाले हैं और एक आरोपी जो फरार चल रहा है वो ताज मोहम्मद मनगवा क्षेत्र का है। सर उनके पास एक कार बरामद हुई है तोड़फोड़। हाँ बिल्कुल, जब इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी तब इन्होंने पुलिस पे भी वो कार चढ़ाने की कोशिश की और उसके साथ साथ अन्य तरीके से भागने की कोशिश की और जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और जिसमें एक पृथक से भी प्रकरण इसमें दर्ज किया गया इन तीनों आरोपियों के खिलाफ। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये इसमें जो कल के घटनाक्रम है उसका तो हमें मोबाइल वो सब भी मिल गया है, इसके साथ साथ इन्होंने 6 अन्य लूट और उससे संबंधित प्रकरण जो पुराने अनसुलझे अपराध थे वो भी हमारे खुलासे हुए हैं। इसमें थाना समान का 548/48/22 है, थाना गढ़ का 9/23 है, थाना सिविल लाइन का 202/23 है, विश्वविद्यालय का 145/23 और रायपुर कर्चुलियन का 5/23 और सिविल लाइन का 49/23। ये मोटा मोटा मोडस ऑपरेंड इनका ऐसा ही है कि मोबाइल ऑफ पैसा जहाँ भी मौका पाता था वहाँ छीन के ले जाते थे। और इसमें भी इन्होंने ऐसा ही किया था कि ऑटो में जब ये बैठे थे फरियादी तो उनको किसी तरह बहाने से उल्टी होने के बहाने से उनको बीच में बैठाया और फिर उसके पॉकेट से पैसा निकालने लगे। जब फरियादी को पता चला तो फिर और फ़ोन जैसे ही निकाला फरियादी ने तो उसका फ़ोन छीन के और पैसे छीन के फिर वहाँ से भाग गए थे। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था, इस प्रकार से पुलिस की टीम ने इसमें खुलासा किया था। इसमें हमारी टीम की तरफ से इसमें हितेन शर्मा और हर्षवर्धन तिवारी और प्रदीप कुमार शिवाजीत विवेक और कमल राज जनार्दन शरद आशीष त्रिपाठी इन लोग ने अच्छी भूमिका बहुत ही अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है। अभी आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है और संभवतः अन्य जिले यानी सतना सिगरौली और सीधी में भी इस प्रकार की वारदातें कुछ हुई हैं तो संभवतः उसमें भी इनका कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, तो उसके संबंध में भी पूछताछ इनसे चल रही है। रीवा पुलिस ने जियो कंपनी के सिम बंद हो जाने का झांसा देकर लोगों के यूपीआई खाते से राशि निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को जामताड़ा झारखंड से किया गिरफ्तार। बिछिया थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत फरियादी हरीशचंद्र तिवारी द्वारा फरियादी हरीशचंद तिवारी द्वारा बिछिया थाने में आकर आवेदन दिया गया कि आवेदक के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया व बोला कि जियो कंपनी से बोल रहा हूं, आपकी सिम बंद की जा रही है, आप अपना सिम रिचार्ज करें व केवाईसी अपडेट करें। अब आवेदक को एक लिंक भेजी गई जिस पर आवेदक ने अपनी जानकारी अपलोड की और आवेदक के बैंक खाते से तुरंत 79,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। वारदात के तरीके के संबंध में पूछे जाने पर आरोपियों ने बताया कि वे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के पेमेंट ऐप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि से कोई भी मोबाइल नंबर डालकर ये पता करते थे कि आवेदक उक्त नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि का उपयोग करता है कि नहीं। ये पता हो जाने के बाद आरोपी आवेदक के उक्त मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर उसकी सिम बंद कर देने का झांसा देते थे और पीड़ित के मोबाइल में एनी डेस्क की लिंक भेजकर डाउनलोड कराकर मोबाइल को रिमोट पर लेकर कहते थे कि आप अपने नंबर पर 10 रुपये का रिचार्ज करें, उक्त लिंक के माध्यम से आवेदक का यूपीआई पिन प्राप्त कर उसके बैंक खातों से राशि ट्रांसफर कर ली जाती थी। इस घटना में भी इसी तरीके का फ्रॉड किया गया और फरियादी हरीशचंद के साथ कुल 79,000 रुपये की राशि निकाल ली गई। साइबर फ्रॉड की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें बिछिया थाना पुलिस द्वारा झारखंड जाकर के आरोपियों की पतासाजी की गई और साइबर सेल की मदद से प्रद्युमन शुक्ला, पिता कार्तिक शुक्ला, उम्र 22 वर्ष निवासी, ग्राम रामपुर थाना करमाताड़ जिला जामताड़ा झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 4 नग मोबाइल एवं घटना के वक्त प्रयुक्त हुआ सिम कार्ड भी बरामद किया गया है तथा अन्य घटनाओं के संबंध में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी विवेक सिंह द्वारा किए गए खुलासे की प्राप्त जानकारी के अंश। फरियादी हरिचंद तिवारी के पास फ़ोन आया
कि आपका जियो का ये सिम बंद होने वाला है और आप इस पे इतना पैसा आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो फिर आपका ये सिम चालू रहेगा। और उसके बाद जब उन्होंने किया उस पे जब ट्रांसफ़र किया तो उनके खाते से 10 रुपये की बजाय 10 रुपये बोला गया था, लेकिन उनके खाते से करीब 89,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। और जब उनको समझ में आया तब फिर वो पुलिस के पास आए थे, पुलिस ने इसमें FIR रजिस्टर किया था और काफ़ी समय से इसमें पूरा लिंक निकाल रही थी, यहाँ की साइबर पुलिस और यहाँ की थाने की पुलिस मिलके इसको पूरा कर रहे थे। और उसके बाद इसमें हमने ये थाना बिछिया का केस है जिला रीवा का, और उसके बाद इसमें हमने जो एक आरोपी है जामतड़ा, आप लोग सभी लोग जानते हैं जामतड़ा झारखंड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से इस प्रकार के साइबर अपराध हुए, तो वहाँ से प्रद्युम्न मंडल पिता कार्तिक मंडल निवासी ग्राम रामपुर थाना कर्माताड़ जिला जामतारा से गिरफ्तार करके लाए हैं। और अभी इससे पूछताछ चल रही है, इसके पास हमें 4 नग मोबाइल मिले हैं और कुछ सिम कार्ड भी मिले हैं, और जब उनका एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको और भी पता चल रहा है कि इसने और भी लोग से ऐसे ही धोखाधड़ी की है। जैसे एक हमने बालाघाट में हमने फ़ोन किया तो उनके साथ भी ऐसे धोखाधड़ी हुई थी, वहाँ भी FIR हुई है, तो उनके साथ करीब 40,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। एक अन्य भी हमको पता चला है जहाँ की 99,000 रुपये उसके गए हुए, तो अभी हम इसमें विवेचना कर रहे हैं। PR लिया है हमने माननीय न्यायालय से और इसके जो जामतड़ा जिला है वहाँ तक भी जाके और भी देखेंगे किसका और क्या क्या लिंक है, कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, पूरा गिरोह कैसा है और कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसको भी हम लोग और देख रहे हैं। रीवा में भाई गिरी, भाजपा नेता के यहाँ 2 लाख की रंगदारी वसूली करने पहुंचे बदमाश, दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में पहुंच कर दी धमकी, पैसे नहीं दिए तो आंदोलन के दौरान होगी पत्थरबाजी और हत्या, इल्जाम होगा तुम्हारे सर। आपको बता दें कि रीवा में भाजपा नेता और प्रदेश पदाधिकारी के घर में घुसकर 2 युवकों ने गुंडा टैक्स यानी रंगदारी वसूली का प्रयास किया और धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो कल होने वाले आंदोलन में पत्थरबाजी होगी, हत्या भी हो सकती है, जिसका इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। ये सुनते ही भाजपा नेता ने आसपास के लोगों से संपर्क किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा समय रहते दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया की बताई जा रही है, जहां रहने वाले भाजपा नेता सोनू मुस्लिम के घर में बीती रात्रि तकरीबन 8 बजे 2 युवक उनके घर के अंदर प्रवेश कर गए और बिना समय गंवाए उनके सामने 2 लाख रुपए फिरौती की मांग करने लगे। घनी बस्ती होने के कारण आसपास के लोग एकत्रित हो गए और तत्काल सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा निवासी खैरा और लवकुश पांडे निवासी अमवा बताया है। दोनों बदमाशों को जब लोगों ने घेर लिया तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। आरोपियों ने बताया कि गरीब बचाओ मोर्चा में कल वह कमिश्नर कार्यालय के सामने ज्ञापन सौंपेंगे, इस दौरान वह पत्थरबाजी भी हो सकती है, जहां तक कि हत्या कर देने की भी धमकी दी गई थी और जिसका इल्जाम भाजपा नेता सोनू मुस्लिम पर डाला जा रहा था। पुलिस गिरफ्त में होने के बाद आरोपियों ने यह भी बताया कि उन्हें जीतू सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा भेजा गया था। फरियादी का कहना है कि उसके घर 4 लोग पहुंचे थे, जिसमें से 2 को पकड़ जाने के बाद 2 फरार हो गए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रस्तुत है भाजपा नेता मुस्लिम सोनू तथा SP विवेक सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। 8 बजे लगभग मैं बाथरूम में था, जो आवाज आई हम अपने हाल में पहुंचे तो बोले 2 आदमी को ये पैसा मांग कर रहे थे हमारे बच्चे से, तो अगर पैसा नहीं दोगे तो हम फंसा देंगे, मार के फंसा देंगे। अब नाम तो हमको नहीं मालूम, विश्वकर्मा बताया एक और आदमी, एक अम्बा का बताया है, एक खैरी का। कितना पैसा? 2 लाख लगभग मांग रहे थे, तो अगर नहीं दोगे तो हम कल धरना करेंगे, धरना आदमी ला के अपने से मार देंगे और आपको फंसा देंगे। धमकी देगा? धमकी देगा। मेरा नाम सुल्तान मोहम्मद मुस्लिम सोनू, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी रीवा। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइव। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ये निपनिया मोहल्ले में भाजपा नेता के यहाँ कुछ नगदारी मांगने गए थे, कुछ लोग सर पूरा क्या मामला क्या है? कल दिनांक को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सोनू मुस्लिम है जो कि एक पार्टी संबंधित भी हैं, उनका निपनिया चौराहे वार्ड में जो निवास है वहाँ पे कुछ लोग उनसे कुछ पैसे वगैरह मांगने गए थे और ना पैसे देने की दशा में उनको धमकी भी दी गई थी, जिसके आधार पे इसमें पुलिस ने
अपराध क्रमांक 211/23, 452/387, 294/5634 आईपीसी के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज किया है। और जो दो आरोपी हैं शैलेंद्र विश्वकर्मा और लोकुश पांडे, उनको अभिरक्षा में लिया जा रहा है और जो इस प्रकरण की विवेचना भी चल रही है और जैसा साक्ष्य आएंगे उस आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा रीवा द्वारा कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर सड़क मार्ग में किया गया चक्काजाम। आपको बता दें कि गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा एवं गरीब बचाओ आदिवासी मोर्चा जिला रीवा द्वारा आज कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर 17 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान महिलाएं एवं पुरुष पूरे सड़क को जाम करके बैठे रहे, जिससे कोठी मंदिर की ओर से न्यायालय की तरफ आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध रहा। समिति के संरक्षक नागेंद्र सिंह करचुली ने जानकारी देते हुए बताया कि वे बीते 13 मार्च से लगातार कमिश्नर बंगले के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ कई पीड़ित परिवार भी धरने पर शामिल हैं। इसके बावजूद भी आज तक शासन प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। कमिश्नर कार्यालय घेराव करने और ज्ञापन पत्र देने पहुंचे समिति के संरक्षक नागेंद्र सिंह करचुली ने बताया कि अमैया मोहल्ले की भूमि को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया गया है। इसके साथ ही खैरा नई बस्ती की 75 डिसीमिल जमीन जो शमशान घाट के लिए आरक्षित की गई थी, उसे भी भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह के रीवा जिले में कई अन्य मामले हैं जो गरीबों से जुड़े हुए हैं। आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचे समिति के लोगों ने रीवा कमिश्नर को 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा है और उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। समिति के संरक्षक ने कुछ लोगों के ऊपर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। इन्होंने 13 मार्च से गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा विभिन्न समस्याओं गरीबों की समस्याओं को लेकर के यहाँ कमी कंसर्न किया जा रहा था। कलेक्टर प्रशासन हो या कमिश्नर प्रशासन हो, कोई आज तक उनका ध्यान नहीं दिया। आज मजबूरन मुझे आज कार्यालय घेराव करना पड़ा। सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ मनु देवी है मैया में, वहाँ मुस्लिम सोनू और आपके हंसराज नजरुल की भूमि, यहाँ 7 बड़े व्यापारियों जबकि वो प्लाट आवासीय प्लाट है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भूमाफियाओं को हम नष्ट कर देंगे और गरीबों को जमीन देंगे, तो मेरी मांग ये है कि हंसराज सिंह के द्वारा जो जमीन बेची गई उसके लिए निरस्त कर दी जाए, अब वो गरीबों को दिलवा दी। मुस्लिम सोनू जी के यहाँ दो लोग गए थे गरीब बचाओ संघर्ष समिति के नाम से, 2 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। क्या वो आपके आदमी? ना ही हमारे आदमी हैं वो, ना ही मुस्लिम सोनू हमारे आदमी है। मुस्लिम सोनू एक खुद भूमाफिया है, तो किसी को फंसाएंगे, हमारे आंदोलन को बदनाम करेंगे। आज कई दिन से वो लगे हुए थे, हमको धमकी दी गई थी उनके में, हमें तो सीसीटीवी सब हमको धमकी दी गई थी, दिलवाई गई थी। हम समझौता कर लें, किससे समझौता कर लें? हम गरीबों को का खून चूस करके और किसी से समझौता नहीं कर सकते। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।